नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी एस ए ट्रिकी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर डी आर डी ओ एम टी एस पेपर में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग का प्रैक्टिस पेपर नंबर सेकंड है और मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं जिनका लेवल काफ़ी ईजी था। और मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, कुछ रिक्वायरमेंट थी कि सर थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो इससे ज़्यादा लेवल आपका हाई नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे ज़्यादा लेवल आपका एमटीएस का नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग एमटीएस लेवल के अकॉर्डिंग ही सारी स्टडी आप लोगों को करवाएंगे। और आप लोग कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी कीजिए। और जिन भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रखा है उनसे भी पढ़ते रहिए। और हर तरफ से पढ़ने के बाद एक प्रैक्टिस पेपर हमारे साथ डेली सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस बेस्ट से बेस्ट हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहले रीजनिंग पढ़ेंगे रीजनिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे जीके, और जीके के बाद पढ़ेंगे मैथ पढ़ेंगे। मतलब इस एक ही क्लास में सब कुछ मिलेगा आपको। एक घंटे में आप लोग का फुल बैच रहता है आपका, ठीक है ना, जिसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया आपको, 8, 8, 9, यहाँ पर मेरा 27 आ गया, 5, 8, 7 मेरा 22 आ गया, 6, 7, 8 मेरा 23 आ गया। तो 9, 3, 4 से हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, सिंपल सी बात है। तो इसको देखिए बच्चा, इसको जोड़ना है आपको, 8, 8, 16, 16 और 9 हमारा 25 हो जाएगा। तो 25 में 2 अगर और जोड़ दें तो मेरा 27 हो जाएगा। इसको देखिए अच्छा, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20 और 2, 22 हो जाएगा, ठीक है ना। 7, 6, 7, 7, 14, 13, 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 21 हो जाएगा, 21 और 2, 23 हो जाएगा। वही इसमें करेंगे आप लोग यहाँ पर, 9, 3, 12, 4, 16, 2, 18। तो अगर साथियों आपका आंसर यहाँ पर 18 आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 18 हो जाएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दोस्तों दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए गिनते हैं बैठ के, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 ट्रायंगल तो आपको दिख रहे होंगे। अच्छा जो दिख नहीं रहा है वो कौन सा वाला ट्रायंगल आपको दिया गया। तो एक ट्रायंगल आप लोग का डबल वाला हमारा एक ये बनेगा 5, और एक मेरा ये बनेगा 6 बनेगा, और एक पूरा बड़ा वाला 7। तो बच्चे इसमें कितने ट्रायंगल हैं आपके, इसमें दोस्तों आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 7 हैं। देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं तो आपके लिए डेली मैं प्रैक्टिस पेपर ऐसे ही सॉल्व करवाऊंगा जब तक आप लोग की प्रैक्टिस बेस्ट से बेस्ट नहीं हो जाती, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, हम आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, हमारे यहाँ पर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो किस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको 2 मैट्रिक्स दिए होंगे, मैट्रिक्स फर्स्ट और सेकंड, और ये नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको यहाँ पर बताना है कि क्रैक्स कैसे लिखना है, CRAX। तो मैं सीधे इसका आंसर बता रहा हूं जिससे कि आप लोग समझ सके। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना सी कहां दे रखा है, CRAX। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपका आंसर आ रहा है तो। 5 रो 8 कॉलम, तो दोस्तों 5 रो और 8 कॉलम पर हमारे यहां पर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है ना। 5 में रो पर 8 में कॉलम पर सी है। 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम मेरे यहां पर आर दे रखा है, तो सी आर। अब 7, 8 पर देखते हैं क्या ए होगा कि नहीं होगा। 7वीं रो और 8वां कॉलम, 7वीं रो और 8वां कॉलम हमारे यहाँ पर ए दे रखा है, तो सी आर ए। और 8, 8 पर 8वीं रो और 8वां कॉलम हमारे यहाँ पर क्या रखा है, एक्स दे रखा है। तो दोस्तों CRAX हो गया, इसलिए मेरा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इज विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस, ठीक है ना, उस आकृति को चुनिए जिसमें जो है प्रश्न आकृति नहीं था। तो इसको देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये जो फिगर आपको दिया गया किसमें अंतर नहीं था, तो ऑप्शन ए में दिया गया, ये जस्ट सेम फिगर आप लोगों को दे रखा है ए वाले में, इसमें हमारा होगा नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, तो केवल आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों, यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? दोस्तों यहाँ पर मिरर इमेज बताने से यहाँ पर, तो अगर ये हमारी आकृति ऐसे बनेगी ना, तो दोस्तों जस्ट इसकी उल्टी आकृति बनेगी हमारे यहाँ पर नीचे। तो कैसा डायग्राम आप लोग का बन जाएगा? तो सबसे पहले ट्रायंगल हमारा ऊपर है, तो ट्रायंगल मेरा यहाँ पर नीचे आके बनेगा। इसमें तो ऊपर दे रखा है, इसमें आप लोग का दोस्तों उल्टे साइड में आप लोग को दे रखा है। तो हमारा है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग मुझे बताइए, ए आएगा या फिर आपका डी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपका ए दे रखा है और एक आपका डी दे रखा है, तो इन दोनों में से सही कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, अगर ये लाइन हमारी इधर जा रही तो ये ऐसे जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। बाकी दोस्तों हमारे ये ट्रायंगल, ठीक है ना, हमारे ये जो है इस तरीके से बना ही रहेगा। और आपको पता है हमारे दोस्तों ये ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा ना, हमारा ये लाइन यहाँ पर, तो ये लाइन हमारे यहाँ बनेगी, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रहेगा, और ये चीज़ हमारे यहाँ पर कैसे आ जाएगा, हमारे यहाँ पर ये इस तरीके से और ये कलर्ड हो जाएगा। तो कौन सा वाला डायग्राम बनेगा, ये बन रहा है नहीं बन रहा है? ये बनेगा आपका डी वाला। तो अगर बच्चा आपका आंसर यहाँ से डी आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको? चलिए अब देखते हैं हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले कागज मेरा सामने है इस शेप में, मैंने कागज को मोड़ा इस तरीके से और इसमें 1 2 3 4 छेद कर दिए। तो ये छेद करने के बाद जब कागज को खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों हमने यहाँ पर साइड में डिजाइन बनाया है, ठीक है ना, तो ये डिजाइन हमारा दोस्तों इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा हर साइड में, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी और आपका इस डायरेक्शन में भी। तो आप लोग का दोस्तों यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, आकृति पहली जैसी बनाई देगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, समझ में आ गया आपको। चलिए अब लेकर चलते हैं हम लोग यहाँ पर आप सभी को आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझाते हैं आप लोगों को। देखिए प्लस का मतलब माइनस है, डिवीजन का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन है और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है। तो आपको बताना है यहाँ से 19 माइनस 3 मल्टीप्लाई का 3 प्लस का 6, ओके ना। तो सॉल्व करके बताइए दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 लिखेंगे, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, 3 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड है, 3 लिखेंगे, माइनस की जगह दोस्तों माइनस ही रहेगा हमारे यहाँ पर, तो प्लस की जगह हमारे क्या जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो 3 में से 3 को डिवाइड करें, हमारा 3 एकम 3 आ जाएगा, 19 एकम 19 बचेगा, तो बस 19 में से हम लोग यहाँ पर 6 घटा देंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा, ओके। तो बच्चों आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। और मेरी बातों को अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा, बस मेरी ये हैबिट है दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने की, अगर आपको अच्छा लगे तो बस समझते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ मत कहिएगा, ठीक है ना, बस तब भी आप लोग पढ़ते ही रहिएगा, बातों को कतई भी अदरवाइज मत लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसको देखिए। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सिक्वेंस इन विच दे अकर्स इन द डिक्शनरी। दोस्तों ये आपको 5 शब्द दिए गए ना, नेवल, नेटल, नैनी, नेव, नैपी, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। हमें सब जगह एन दे रखा है, एन के अलावा यहाँ पर ए ए ए ए ए भी दे रखा है, अब यहाँ पर वी है, यहाँ पर आपका एन है, ये पी है, यहाँ टी है और यहाँ पर आपका आई है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आई आ जाएगा, सबसे पहले बच्चा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई ए बी सी डी एफ जी एच आई आई जे के एल एम एन। तो दोस्तों उसके अलावा आ जाएगा एन वाला आ जाएगा, नंबर 2 आ जाएगा एन ओ पी, तीसरा वाला हमारे हमारे क्या हो जाएगा, सॉरी तीसरा वाला हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नैपी वाला हो जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये हमारा उसके यहाँ पर चौथा आ जाएगा, उसके यहाँ पर एस टी यू बी, वी हमारा 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो सही जवाब पता है क्या होगा, 4 3 5 2 1। तो अगर आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन बी आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही आ रहा है। अब देखते हैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मिसिंग नंबर ज्ञात करने हैं, 38 35 30 23। तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया, पता आपको, तो 38 इसमें से अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो मेरा 35 आ जाएगा, 35 है 5 माइनस करेंगे तो मेरा 30 आ जाएगा, 30 है 7 माइनस करेंगे तो मेरे यहाँ पर 23 आ जाएगा। तो 3 2 5 2 7, अगली बार क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे, तो 23 में से 9 माइनस करेंगे तो मेरा कितना बचेगा बच्चा, 14 आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 14 आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा अलग दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है।
जो सबसे अलग जो आपका शब्द होगा ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बता जैसे कि संतरा, सेब, अंगूर ये तीनों तो फल हैं, जबकि बैगन, ब्रिंजल ये सब्जी के अंतर्गत आता है, ये सब्जी है, वेजिटेबल्स। तो दोस्तों यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को मैं दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 14 का 196, लेकिन 15 का स्क्वायर नहीं होता है, 225 होता है, ये गलत दे रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इसको देखिए हमारे यहाँ पर क्या रखा है, सी डी ई आई जे के पी क्यू आर एस टी यू वी। तो दोस्तों एस वी हमारा जो दे रखा है सबसे अलग दे रखा है, तो जिनका भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घोड़ा, हॉर्स, डॉगर और टाइगर, ठीक है ना, हॉर्स, डॉग और टाइगर के बीच में आपका सही रिलेशन कौन सा होगा। देखिए घोड़ा अलग प्रजाति है, कुत्ता अलग प्रजाति है और बाघ अलग प्रजाति है, तो ये तो आपका यहाँ से बी वाला ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। विद्यार्थी कहाँ जाता है, विद्यालय में रहता है। सैनिक दोस्तों कहाँ रहेगा आपका, जैसे कि स्टूडेंट का रिलेशन स्कूल से, उसी प्रकार सिपाही का रिलेशन, सोल्जर का रिलेशन है आर्मी से। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर सही ना आ रहा तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 32 है, 32 से हमारा आ रहा है 144 आ रहा है, तो 56 से दोस्तों क्या आ जाएगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इसको समझिएगा, थोड़ा सा अलग सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। हमारा 32 से आ रहा है 144, ठीक है ना, 32 से हमारा क्या आ रहा है 144 आ रहा है। चलिए दोस्तों चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, 32 के मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई की, 4 दुनी 8, 4 तिया 12 लिख लिया हमने यहाँ पर, 4 दुनी 8, 4 तिया 128 आ जाएगा। अच्छा प्लस करेंगे दोस्तों 32 बटे 2 लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, 2 से डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 हो जाएगा। तो 128 और 16, 8 5 13 1 14, 2 1 3 4, 144 मेरा आ जाएगा। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो मेरे यहाँ पर 144 आ गया। अब 56 का देखना दोस्तों, तो 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, 56 को हम लोग यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, 56 का आधा करके जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा यहाँ पर, 2 दुनी 4, 2 अट्टे 16, यहाँ मेरा 28 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 4 6 24, 6 चौक 24, 4 पंजे 20, 21 22, 224 और हमारा 28 और दे रखा है दोस्तों। तो 224 में अगर आप 28 जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 2 4 5 हो जाएगा, 252 हमारा यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप लोग का आंसर यहाँ से 252 आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। पी एन से आपका आ रहा है आर के, तो सी टी से आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉजिक दे रखा है, 2 स्टेप आगे बढ़ना है और 3 स्टेप आपको पीछे जाना है, तो पी क्यू आर, ठीक है ना, के एल एम एन, 3 स्टेप पीछे आएंगे और 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, जैसे सी डी ई, ई आ जाएगा ना, तो टी से 3 स्टेप पीछे आएंगे हमारा क्यू आ जाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर ई क्यू आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आ जाएगा, वेरी गुड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। सो तो यहां से आप लोग का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रपोज दोस्तों 20 क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, डेयर। तो दोस्तों डेयर में हमारा एज रखा है जो कि इसमें नहीं मिल रहा है आपको, तो ये शब्द नहीं बना जा सकता। ओके हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको समझिए दोस्तों। यहाँ पर आदि को याद है कि उसका जो इंटरव्यू है 23 सितंबर के बाद है, जबकि उसके पिता को याद है कि उसका साक्षात्कार 25 सितंबर से पहले है, तो इंटरव्यू की एग्जैक्ट डेट क्या होगी। 23 के बाद 24 होगा और 25 से पहले भी 24 होगा, तो एग्जैक्टली डेट क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो उसका जो इंटरव्यू हमारे यहाँ पर है, साक्षात्कार कब है दोस्तों, यहाँ पर 24 दिसंबर को होगा। अब चलते हम लोग यहाँ पर आगे, ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आप लोग के कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, इसको देखिए, सभी बादल वर्षा है और कोई वर्षा जल नहीं है। तो पहला तो आपको ए दे रखा है और दूसरा आपको ई दे रखा है, तो कोई बादल जल नहीं है और कुछ बादल जल है, तो क्या होगा यहाँ से राइट आंसर, ये आपको बताना है। केवल फर्स्ट सही होगा, केवल सेकेंड सही होगा, तो मुझे आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, कोशिश की तो लगाने की,
आंसर आपके सामने है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो सभी बादल वर्षाएं, कोई वर्षा जल नहीं है दोस्तों। तो ए और ई ये मिलकर हमारा ओ बन जाता है, तो वर्षा से वर्षा हमारा कट जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा आप लोगों का दोस्तों बताना है। तो बिल्कुल कोई बादल जल नहीं है, ये आपका बन सकता है। तो दोस्तों पहला वाला तुम्हारा बन जाएगा दोस्तों, कोई भी बादल जो है जल नहीं है। अगर वेन डायग्राम से भी मैं आपको बताऊंगा, सभी बादल वर्षा है, तो दोस्तों सभी जो बादल हमारे ना ये वर्षा दे रखी है, वर्षा है, और कोई वर्षा जल नहीं दोस्तों यहाँ पर, तो जल हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि कोई बादल जो है जल नहीं होगा, तो पहला तो सही दे रखा है। कुछ बादल जल हैं, इनमें कोई बीच में रिलेशन है ही नहीं दोस्तों यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहाँ से आ रहा है दोस्तों, यहाँ से आ रहा है, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो केवल आपका निष्कर्ष पहला वाला ही आप लोग का सही आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे। एक विशिष्ट कोड भाषा में हेल्प को लिखते हैं GDKO, फाइंड को क्या लिखेंगे बताइए। GHDEKLOP -1 -1 -1 -1, यही फॉलो करना है आपको। तो दोस्तों EFHIMNCD, तो अगर आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन बी आ रहा है, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। एक विशिष्ट कोड भाषा में कैन को लिखते हैं 20, आर को लिखते हैं 26, तो विन को क्या लिखेंगे बताइए आप लोग। तो इसका लॉजिक क्या है दोस्तों आपको बताते हैं। CAN, कैन का जो हमारा कोड होगा, कैन सी 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, और एन हमारा जो है 14 नंबर पे आ जाएगा। तो 14 और 4 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो मेरा यहाँ पर 20 आ जाएगा, समझ में आ गया। ऐसी आर को देखिए हमारे यहाँ पर आर 1, आर 18, ई आपका 5, 24 2 26 हो जाएगा। तो आप लिखना विन को, WIN, WIN की कोडिंग क्या हो जाएगी। W का कोड होता है आपका 23, आई आपका 9 नंबर पे आता है, और एन आप लोग का आता है 14 नंबर पे आता है। तो 23, 9 और 14 ये जोड़ने के बाद हमारा 46 आ जाएगा, और 46 में 2 और जोड़ देंगे तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन ए आ रहा, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे, और अब पढ़ते हैं GK। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय क्या है आप सभी को यहाँ पर ये बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय क्या है आप लोग के यहाँ से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोग का यहाँ से, औसत आय दोस्तों, एवरेज जो इनकम होती है इसको बोलते हैं। अर्थशास्त्र में GDP में जो डी का जो मतलब है दोस्तों ये क्या है, ओके ना। तो देखिए डी का मतलब दोस्तों क्या है ये आपको बता दे रहे हैं फिलहाल। 77 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक, हो जाएगा देशीय। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है बताइए। तो देखिए मौलिक कर्तव्य हमारे टोटल 11 हैं। आज आपका टेस्ट हो रहा है केवल, ठीक है ना, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है और आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, मैं डेली आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। आप देखिए हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया दोस्तों, इसको देखिए, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है। सर्वोच्च कानून बनाने की जो संस्था है इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, 79 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतीय संसद, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के शब्द हैं, उनके अर्थ क्या हो, जैसे कि दीवानी, फौजदारी, जजिया, ये क्या है दोस्तों, यू नो क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों ये क्या चीजें हैं। जैसे कि दीवानी जो होता है ये भूमि से रिलेटेड होता है, भूमि से भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार जो है दीवानी के अंतर्गत आता है। फौजदारी में दोस्तों ये आपराधिक मामले आते हैं, तो आपराधिक न्यायालय के लिए फौजदारी अदालत होती है। और जजिया ये तीर्थयात्री कर है, ओके। तो बच्चा दीवानी आप लोग का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, और फौजदारी हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्रिमिनल कोर्ट है, ये जो अदालत है। और जजिया जो हमारे यहाँ पर ये है पिलग्रिम, यानी कि तीर्थ यात्री कर है, तो पिलग्रिम टैक्स हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो क्या जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा 2, 3, 1। अब बढ़ते लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था। दोस्तों अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहते थे, तो 81 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जब्त, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, जब्ती प्रणाली भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था थी जिसे मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा बनाई गई थी। इसमें भूमि की पैमाइश तथा वास्तविक पैदावार के आधार पर कर की दरों का निर्धारण किया जाता था, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, दक्षिण अयनांत के समय दक्षिण गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है।
तो ये होती है फिलहाल आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है। तो 83 क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों विटामिन के का कार्य क्या है बताइए, अब आप सभी को यहाँ पर बताना विटामिन के का कार्य क्या है। वैसे तो विटामिन के बारे में पूरी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, विटामिन ए जैसे कि रसायन रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, क्या खाएं गाजर दूध अंडा फल खाइए विटामिन ए मिल जाएगा, विटामिन बी का रसायन नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, मूंगफली खा लो आलू खा लो सब्जियां खा लो तो पूर्ति हो जाएगी सोर्स है विटामिन के, विटामिन सी का रसायन नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, आंवला नींबू खट्टे फल संतरा खट्टे फल खाओगे विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी आपकी, विटामिन डी इसका रसायन नाम कैल्सिफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, धूप में बैठ जाओ विटामिन डी मिल जाएगा, दूध पी लो अंडा खा लो विटामिन डी इसमें मिल जाएगा आपको, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, ये क्या करता है इसकी कमी से जनन शक्ति का कम हो जाती है, जनन शक्ति जो होती है कम हो जाती है, हरी सब्जियां मक्खन दूध खाने से आपको ये विटामिन ई भी मिल जाएगा। और अब बात करते हैं विटामिन के की, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन और रक्त का थक्का जमना ये इसी विटामिन के कारण ही होता है, टमाटर हरी सब्जियां और दूध से विटामिन ई भी आप लोग का मिल जाएगा। तो लगभग दूध में विटामिन सी को छोड़कर दोस्तों सारे विटामिन आपको मिलते हैं, हर मिनरल्स आपको दूध में मिल जाएगा और पढ़ने वाले बच्चों को दूध का सेवन करना चाहिए। फिलहाल तो ये फालतू बात थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात इतनी थी कि इनमें से किसी का भी रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है और इनके क्या क्या स्रोत हैं ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो हमारा हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आ गया, चलिए अब चलते हम लोग यहाँ पर आगे। चलिए फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, टेंडन जोड़ता है दोस्तों, टेंडन यू नो टेंडन कनेक्ट्स, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, टेंडन जो हमारे यहाँ पर हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है, तो पेशियों के सिरे को टेंडन अर्थात कंदराएं कहते हैं, यह टेंडन हड्डियों को पेशियों से जोड़ते हैं, ये सघन कोलेजन तंतुओं से बनी कोश संयोजी ऊतक की मजबूत डोरी के जैसी रचनाएं होते हैं जो पेशी के चारों ओर एपिमाइसियम का विस्तार है। और आपको बता दें हमारे यहाँ से कैल्कन इथल टेंडन शरीर में सबसे मोटी टेंडन है जिसे जनरली जो है एकिलस टेंडन कहा जाता है और ये जो है दोस्तों पिंडली की पेशी को एड़ी की हड्डी से जोड़ती है। टेंडन में लचीलापन ना होने के कारण संकुचन भी नहीं होता है। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बोन विद मसल्स तो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, रक्त दाब क्या है। दोस्तों रक्त दाब क्या है ये आप सभी को बताना है। तो द प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सल्टेट्स ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, तो धमनियों और शिराओं के भित्तियों पर जो रक्त का दबाव होता है दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों यहां से आप लोगों का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फिलहाल दोस्तों समय का मूल मात्रक क्या है, समय का मूल मात्रक दोस्तों क्या होगा आप लोग का, यहां से आपका राइट आंसर होगा सेकंड। तो समय का मूल मात्रक दोस्तों आप लोग का क्या है, सेकंड है। तो अगर आपका आंसर सेकंड आ रहा है तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बल्ब में पतला तार जिसमें विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर वह दीप्त होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों बल्ब में पतला तार जिसमें विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर वह दीप्त होता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो 88 क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिलामेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का जो राइट आंसर फिलामेंट आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। और ये जो टंगस्टन का बना था, टंगस्टन का ये जो तार होता है ना फिलामेंट वाला, ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना था, टंगस्टन का, ये भी कई बार आपके एग्जाम पेपर में आ चुका है। अब बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज संग्रह करने का माध्यमिक साधन है, सेकेंडरी डिवाइस बतानी है, हार्ड ड्राइव सीडी यूएसबी ड्राइव, तो क्या होगा इसका सही जवाब ये आपको बताना है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क कंप्यूटर में एक स्थायी हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, यह एक सेकेंडरी मेमोरी टाइप का स्टोरेज है जो सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही रहते हैं वो हार्ड ड्राइव ही कहलाते हैं। वैसे हार्ड ड्राइव ना हार्ड डिस्क दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहां से तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है, तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, धातु की बात हो रही है तो एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो पृथ्वी की भूतल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है ये तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर, उसके बाद सिलिकॉन की है,
जबकि धातु ग्रुप में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हमारा एल्यूमिनियम में करीब 8.1% पाया जाता है। उसके बाद आयरन की मात्रा है 5% आप लोगों का फिर आयरन है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। शीशे की पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है? दोस्तों आप लोगों ने अगर पढ़ा हो ना, लेड वाली जो पेंसिल आती है दोस्तों, उसकी नोक किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की जो नोक होती है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल की ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है, निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग नहीं होता? तो 92 क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए अच्छा बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जीवन, ठीक है ना, जीवन बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? तो यहां से आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको दिया गया 2 लाख रुपए का, ओके। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा योजना है, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर धारक को 2 लाख रुपए एवं आंशिक रूप से अपंग होने पर, ठीक है ना, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में प्रत्येक भारतीय नागरिक को 18 से 70 वर्ष का जो है वो जुड़ सकता है। इससे जुड़ने पर 12 रुपए प्रतिवर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर धारक को खाते से कटवाना होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बताना, डायनामाइट का जो है आविष्कार किसने किया है? तो 94 क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। तो दोस्तों अगर आप लोग का आंसर यहाँ से अल्फ्रेड नोबेल आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्टली आंसर जाएगा आपका, ऑप्शन सी आएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूती चंद निम्नलिखित में से किस में जुड़े हैं? दूती चंद जो हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस में जुड़े हुए हैं? तो 95 क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर की दौड़ में। तो अगर आपका आंसर 100 मीटर की दौड़ आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों किस फिल्म ने 64वें राष्ट्रीय पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 97 क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, कासब। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर कासब आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक नेम्ड फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 98 क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उमा लीले इसका जो है परफेक्टली आंसर आ जाएगा। भारत ने आशगाबाद समझौते को स्वीकार किया है, जो कि किस पर एक समझौता है? तो 99 क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिट कॉरिडोर। तो दोस्तों अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है ना ट्रांजिट कॉरिडोर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब होगा हमारे यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ऑपरेशन मैत्री भारत की थल सेना के नेतृत्व में भूकंप पीड़ित में जो है किसमें बचाव एवं राहत मिशन था? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो 100 क्वेश्चन की बात हो रही है और यहाँ से आपका आंसर जो आएगा नेपाल आ जाएगा। देखिए आपको बता दें यहाँ से 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद भारत ने उसकी सहायता करने के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया, जो भारत की थल सेना के नेतृत्व में भूकंप पीड़ित नेपाल के बचाव और राहत मिशन था। तो ऐसे में आप लोग अगर आंसर नेपाल आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग का एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। तो ये थे कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने करा दिए हैं। और अब हम लोग बात करेंगे मैथ की। तो पहला क्वेश्चन मैथ का आप सभी के सामने यह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 - √15? तो 8 को दोस्तों क्या लिखें ताकि हमारा ये रूट हट जाए सीधे हमारा। देखिए 5 - 3 - 8 हाँ बन सकता है, 7 - 2 - 9 नहीं बन सकता है, 5 - 3 - 8 ये बन सकता है। अब चूंकि बीच में माइनस लगा हुआ हमारे यहाँ पर, तो मतलब स्क्वायर माइनस का ही बनाना पड़ेगा, तो केवल आपका आंसर बी आ जाएगा। ये तो एक तुक्का था जो मैंने ऑप्शन को देखा कि मेरा 5 और 3 मेरा यहाँ पर 8 आ रहा है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो हमारा यहाँ पर 26 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। लेकिन लगाकर देखना पड़ेगा ना इसका राइट आंसर होगा क्या, ये तो तुक्का है कि हमारा बी वाला हो जाएगा। ये तो तरीका है कि कैसे देखते हैं क्वेश्चन को लगा लें, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना तो क्वेश्चन सामने दिखता है और आंसर अपने आप ही लग जाता है कि हाँ बी होगा बस। तो बता दें कैसे करा मैंने यहाँ पर। तो दोस्तों 8 को मैंने लिखा यहाँ पर √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, ये आपका 8 ही तो लिखा हुआ क्योंकि 5 - 3 - 8 हो जाएगा, माइनस का 2 ए हो जाएगा यहाँ पर 5 और बी हो जाएगा √3 2ab, 5 * 3 = 15 होगा ना, सो तो 2 √15 को लिख लिया हमने यहाँ पर 2 √5 √3, तो 5 * 3 = 15 ही तो लिखा हुआ है, तो बस ए स्क्वायर + b² - 2ab तो हमारा जाएगा दोस्तों √5
माइनस रूट थ्री का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से मेरा रूट हट जाएगा और मेरा आंसर बी वाला आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए, क्लास रिकॉर्डेड है तो कमेंट करके बता दीजिएगा समझ में नहीं आए तो। आपको हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 45 आर प्राइम नंबर्स। दोस्तों 45 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या हैं ये आपको बतानी है। 27 क्वेश्चन भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन को लगाना है। तो 45 के फैक्टर होते हैं हमारे यहाँ पर 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45। तो 45 के गुणनखंड करने पर हमें मिल जाता है 3 × 3 × 5, ये हो गए फैक्टर हो गए। तो स्पष्ट है दोस्तों यहाँ पर कि 3 और 5 इसके जो है अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो टोटल कितने मिले हमें यहाँ पर, 1 मिला 3, 2 मिला 5, ये दो नंबर आएंगे आप लोग के प्राइम नंबर आएंगे। कितने नंबर आते हैं इसके फैक्टर में, तो 2 प्राइम नंबर आते हैं इसके फैक्टर में। हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिलहाल दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पर क्या बताना, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 28 क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा 87, ठीक है ना। 87 एक आपकी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, जबकि 37, 43, 31 ये सारे प्राइम नंबर ही हैं, इनके फैक्टर नहीं हो सकते। तो अगर आपके आंसर यहाँ पर 87 आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 283 को 22 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। सभी लोग बता देंगे यहाँ पर, तो बताते हैं फिलहाल आपका आंसर जो आ जाएगा 19 आ जाएगा। ये तो सभी लोग कर ही लेंगे ना, डिवाइड कर लीजिएगा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, छोड़िए इसको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, दोस्तों 4 का हमारा जो है दोस्तों डिविजिबिलिटी जो रूल है हमारे यहाँ पर, ये रूल हमारा कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, ये रूल हमें बताता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर ये मेरे 4 से डिवाइड होंगे देन वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 24 दोस्तों मेरा रखना ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 44 मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 52 मेरा यहाँ पर 4 से डिवाइड होगा दोस्तों, 4 × 4 = 52, हाँ 52 भी डिवाइड हो जाएगा, 50 नहीं होगा दोस्तों। तो बस बिना कुछ करे सीधे आपका आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यह देखिए आपको क्या दे रखा, a³ - b² + ab। तो बस फॉर्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, आपको दे रखा ना a³ - b³, इसका बच्चा फॉर्मूला क्या होता है हमारे यहाँ पर, a - b ब्रैकेट में हमारा होता है a² + b² + ab होता है। हमें ये वही नीचे तो वही दे रखा है a² + b² + ab, तो इससे मेरा ये ऊपर कट जाएगा दोस्तों जो हमारा आएगा दोस्तों यहाँ पर ना, और ऊपर क्या बचेगा केवल a - b बच जाएगा। तो मतलब दोस्तों 0.3 - 0.1 और सॉल्व करने पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से आपका आंसर डी आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही आ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको समझिए, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, सी की सहायता से वे 4 दिनों में कार्य समाप्त कर लेते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा ये आप सभी को बताना है। तो ए भाई साहब करते हैं 12 दिनों में, बी करते हैं 15 दिनों में, और सी की सहायता से तीनों लोग मिलकर कर लेते हैं हमारे यहाँ पर 4 दिनों में। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12, 15 और 4, इनका एलसीएम मेरा 60 आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 4 × 4 = 20, 15 हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक ना। तो दोस्तों ए का 5 है, बी का 4 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9, 15 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। तो 9 और 6 = 15 हो जाएगा, तो बस 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सी की क्षमता हमारी जो है 6 आ रही है, तो 6 × 6 = 0, 10 दिन लगेगा सी को काम करने में। तो दोस्तों सी अगर अकेले काम को करता है, सी की क्षमता हमारी 6 है, तो उसको काम करने में समय लगेगा 10 दिनों का लगेगा। अब लेकर चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ए की कार्यकुशलता बी से दोगुनी है तथा वे दोनों लोग मिलकर साथ में 18 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो ए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये आप सभी को बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए दोस्तों आपको यहां पर बता दें, यहां पर फिलहाल क्या दिया गया है, ए जो हमारे यहां पर बी से इसकी जो क्षमता है दोगुनी है, ए की क्षमता जो बी से दोगुनी है, वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं,
दोनों की क्षमता है 2 और 1 3 है। अब करना किसको, एक को करना है, एक की क्षमता 2 है, 2 × 18 9 × 3 = 27, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 27 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से आपका आंसर 27 दिन आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग का बिकर्ण 12 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। बिकर्ण का मतलब होता है a√2 बराबर में यहाँ पर 12 दे रखा है, तो a बराबर हो जाएगा 12/√2 में मेरा √2 आ जाएगा। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका स्क्वायर करना है, तो 144/2 स्क्वायर करने पर हमारा आ जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, तो सीधे हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 72 cm². ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके लागत मूल्य से 2 गुना है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताइए। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 2 गुना है, ठीक है ना दोस्तों, अंकित जो मूल्य है उसका यहाँ पर यानी कि जो एमपी है ना वो सीपी का डबल है मान लिया दोस्तों, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दोस्तों छूट क्या देंगे, ये आप सभी को मुझे बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को लगा कर दिखाइए, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो उसके लागत मूल्य का डबल है, मतलब लागत मूल्य हमने मान लिया सपोज 100 है तो अंकित मूल्य उस पर 200 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हमें दोस्तों प्रॉफिट कितना चाहिए, केवल हमें 120 रुपये का लाभ चाहिए, यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ 120 में बिक जाएगी तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा, तो 80 रुपये डिस्काउंट पर देने पड़ेंगे, तो 200 का कितना परसेंट हमारा जो है 80 हो जाएगा, यही डिस्काउंट रेट होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 4 = 40, तो दोस्तों x बराबर मेरे यहाँ पर 40% हो जाएगा, तो 200 का चार ठीक है ना, इस पर अगर 40% का डिस्काउंट मिलेगा तो हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 40 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके मूल्य से 60% ज़्यादा है, यदि 20% डिस्काउंट दिया जाएगा तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। अंकित मूल्य उसके मूल्य से 60% अधिक है, एक वस्तु का जो हमारा अंकित मूल्य है ये उसके मूल्य से 60% ज्यादा है, 60% ज्यादा है यहाँ पर, अगर 20% डिस्काउंट दी जाती है तो लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये आप लोग मुझे बताइए। तो दोस्तों 60 ज्यादा है, 20 का अगर डिस्काउंट दे दिया हमें सपोज दैट ± 60 × 20/100 मेरा यहाँ पर 100 आ जाएगा, 60 में से 20 जाएगा तो मेरा यहाँ पर 40 बच जाएगा, 6 × 2 मेरा यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 40 में से 12 घटाएंगे तो आपका 28% हो जाएगा, प्लस का आ रहा है इसलिए 28% का लाभ हो जाएगा। तो क्या किया मैंने यहाँ पर, सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर दिया, तो दोस्तों a+b + ab/100 होता है मेथड, ये दोस्तों अधिक दे रखा है तो प्लस में ले लिया, ये माइनस में ले लिया क्योंकि डिस्काउंट दे रखा है, तो दोस्तों a बराबर में यहाँ पर दे रखा है 60 दे रखा है, और b बराबर दे रखा है माइनस का 20, और फॉर्मूला अप्लाई कीजिए a+b + ab/100 और आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे, PQ 2:3, PR 4:5, तो PQ/Q+R की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सभी लोग इसको लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, x/y बराबर दे रखा है 5/4, तो आपको वैल्यू बतानी है 5x − 6y तथा 5x − 2y की अनुपात कितना हो जाएगा, ये आप लोग मुझे बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 5 और y की जगह रखेंगे 4, तो दोस्तों 5×5 = 25, 6×4 = 24, यही तो हो जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी दोस्तों, तो 5×5 = 6×4 = 24, नीचे देखिए तुम्हारे क्या आ जाएगा, तुम्हारे यहाँ पर 5x लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2y लिखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों 5×5 = 25 25 आ जाएगा, माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पर 4×2 = 8 हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों सॉल्व करने पर आप लोग का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। यहाँ से देखिए इसमें गलती दे रखी है, पता है आपको गलती क्या दे रखी है, ये साइन आप लोग का यहाँ पर प्लस का दे रखा है, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा तभी आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, मिसप्रिंट हो गया ये, तो 25 और 24 ये हमारा 49 हो जाएगा, और नीचे से हमारे 25 में 8 गया, हमारा 17 बचेगा, तो 49/17 मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। चलिए दोस्तों अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 17 संख्याओं का औसत 12 है,
यदि 2, 9 तथा 15 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल है और आराम से लग भी जाएगा। 17 संख्याओं का औसत 12 है, तो टोटल 17 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 17 × 12 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे यहाँ पर 204 आ जाएगा। अब इसमें से 9 और 15 को हटा दिया जाता है, तो दोस्तों 9 और 15 को आप लोग हटा देंगे तो जो शेष संख्याएं बचेंगी हमारी उनका एवरेज क्या हो जाएगा, ये आप सभी लोग मुझे बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस एवरेज में से दोस्तों 9 और 15 को हटा देते हैं, तो यहाँ से आप लोग का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले संख्या मेरी 17 थी, अब संख्या मेरी यहाँ पर 15 बचेंगी, तो लिखेंगे 15x प्लस का जो हमारा 24 हो जाएगा, क्योंकि 15 9 कितना होगा 24 होगा, बराबर हमारा 204 दे रखा है, 24 इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, 204 में से अगर 24 घटा देंगे तो वो लिखेंगे, तो 15x बराबर दोस्तों मेरे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 204 माइनस का 24 ये दे रखा है 15x के, 15 हटाएंगे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो फाइनली मेरे यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो शेष संख्याओं को जो औसत होगा मेरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 80% का लाभ कमाता है, यदि वह उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचे तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। एक वस्तु है दोस्तों, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 80% का लाभ कमाता है, हमने भाई माना 100 रुपए की चीज होगी, उसने 180 की बेच दी तो उससे 80 रुपए का लाभ हो गया, यदि वह उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचे तो दोस्तों उसको कितने परसेंट की हानि हो जाएगी, ये आप सभी को निकालना है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको समझिए। तो दोस्तों 100 रुपए की चीज थी, 180 में बेच रहा है, लेकिन कह रहे कि अगर वो इसे आधे रुपए में बेचे, 90 रुपए में बेचेगा तो उसे कितना लॉस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10% का लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेचेगा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि उसे 10% की हानि हो रही है, कुछ करना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर सीधे मान कर लगाएंगे और आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यदि चावल को 93 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दोस्तों उसकी चावल की कीमत क्या रखेंगे प्रति किलोग्राम की, ये आपको बताना है। तो 75% बराबर आपको दिया गया 93 और हमें निकालना है यहाँ पर 125% बराबर, तो 125% की वैल्यू हो जाएगी, लिखेंगे 125 ऊपर 75 मेरा अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 93 से, तो 25 × 125 25 × 75 3 × 9 3 × 3 5 × 5 5 × 15 155 रुपये आ जाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप सभी का आंसर आ रहा 155 रुपीज, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% कमी आ जाती है तो इसे पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को दोस्तों कितना परसेंट रखना पड़ेगा ताकि मूल्य फिर से वही रहे। तो क्वेश्चन को लगाने के कई तरीके हमारे पास में, तो बताते हैं आपको, यहाँ से 25% की कमी आ गई है, 75 में से 100 से करना है मल्टीप्लाई, 100/3 का मतलब होता है 33.33%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती है, इसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो वस्तु के खर्च में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो गई। अब ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो यहां पर आपको ए दे रखा है प्लस का 40, नहीं माइनस का 40 दे रखा है, और बी दे रखा है प्लस का 20 दे रखा है, तो माइनस का 40 कम होती है, 20 बढ़ती है, प्लस माइनस माइनस 40 × 20 अपॉन में हमारा 100 आ जाएगा, तो 40 से 20 गया 20 बचेगा, 4 दिन मेरे यहाँ पर 8 बचेगा माइनस का, तो 20 और 28 हो जाएगा ना, तो 28% की कमी हो जाएगी, सीधा सी जवाब आ जाएगा हमारे यहाँ से, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों कैसे लगी वीडियो, अच्छी क्लास में इतना ही रखते हैं, अगर ये क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी हो उस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पेपर के साथ, आज आपके लाइव नहीं हो पाई लेकिन कोशिश करेंगे कि क्लास आपको डेली प्रोवाइड कराते रहें, चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम हो चाहे कुछ प्रॉब्लम हो। तो फिलहाल अब ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही, तब तक दोस्तों नमस्कार।